स्टूडेंट्स, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये मेरा एक स्पेशल वीडियो है जो मैंने आज बनाया है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से हम एक ट्रेंड देख रहे थे राजस्थान में कि कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही थी राजस्थान की। हमारे यहाँ कॉलेजेस भी कम थे, विद गॉड्स ग्रेस 5 कॉलेज बढ़ गए हैं इस बार। और दूसरी बात ये कि बहुत से जो स्टूडेंट्स कोचिंग करने आते हैं कोटा में, राजस्थान में, अदर्स जगह पे, तो वो लोगों को यहाँ के डोमिसाइल का भी बेनिफिट मिल जाता है इफ दे स्टे हियर फॉर 3 इयर्स, 10th, 11th, 12th अगर वो यहाँ से करते हैं। तो इसकी वजह से ये कट ऑफ ऊपर जा रही थी। लास्ट ईयर जुलाई से मैं खामोशी से एक मिशन पे काम कर रहा था। आपको पता है कि कई चीजें ऐसी होती है मैं बता के नहीं करता हूँ, लेकिन जब हम सफलता के करीब पहुंच जाते हैं तब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें हमने किया क्या। देखिए, मल्टीपल डोमिसाइल इशू, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स के पास एक से ज्यादा स्टेट्स के डोमिसाइल होते हैं, जो कि गलत है, और इसकी वजह से उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ। तो इस मल्टीपल डोमिसाइल इश्यू से लड़ने के लिए वन नेशन वन डोमिसाइल में पहली जो मैंने पहल करी, देखिए हर लड़ाई की शुरुआत अपने ही घर से करनी पड़ती है, तो इसकी पहल मैंने अपने ही राज्य से करी थी। अब लगभग हम सफलता के करीब पहुंच गए, इसलिए मैं आपको ये बात बताता हूँ। राजस्थान विशेषकर कोटा में जो ये कोचिंग माफिया का दुष्प्रभाव है, इसकी वजह से राजस्थान के मूल निवासी छात्रों के साथ हर साल अन्याय होता है। जो 85% डोमिसाइल कोटा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, उसकी कट ऑफ राजस्थान में इतनी ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ आ जाते हैं। 11th, 12th में तो आते ही है, आजकल ट्रेंड ये हो गया कि 10th में आने लग गए हैं बच्चे। तो अगर आप यहाँ पे एक क्राइटेरिया था कि अगर आप 10th, 11th और 12th राजस्थान से करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ के कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा पे 85% सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोचिंग माफिया ने इस गंगा बह रही थी, इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बच्चों को 8th, 9th, 10th से यहाँ बुलाना शुरू कर दिया कि आप तो आइए, 2 साल तो आए रहे, 3 साल और रहिए, बढ़िया राजस्थान के कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए, ठीक है। यहाँ के डमी स्कूल्स में वो एडमिशन करवा देते हैं और बच्चा 8th, 9th, 10th से खेलने की उम्र में वो अपने मदर या फादर के साथ सब कुछ अपना घर परिवार त्याग के यहाँ पे कोचिंग की खाक छानने लगता है। इनफैक्ट पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक पेरेंट्स बेचारे 3-4 साल से यहाँ पड़े हुए हैं 10th, 11th, 12th से, और वो बच्चे को यहाँ पे कोचिंग करा रहे ताकि यहाँ का डोमिसाइल मिल जाए और फिर वो कोचिंग भी अच्छी कर ले और यहाँ के कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सके। ये जो जबरदस्ती की थोपी हुई प्रतिस्पर्धा है ना कोचिंग माफिया की, अब उनको तो फायदा ही है ना, बच्चा अगर 12th के बाद 1 साल की आता था 11th, 12th में, अरे 10th से ही आ जाए बच्चा, 8th इनका बस चले तो ये नर्सरी से बच्चे को अपनी कोचिंग में एडमिशन करवा लें, यही आओ यही फीस भरो। इनफैक्ट ये लोग एडवर्टाइज करते हैं कि आइए यहाँ आके रहिए, यहीं पे आके नौकरी कीजिए, कुछ भी पेरेंट्स को बोलते हैं, ठीक है, और बच्चे को भी यही डाल दीजिए, ठीक है, आप हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप यहाँ आइए, आप रहिए, सब है, सब अच्छा है, वी वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू कोटा, लेकिन फॉर स्टडीज। हम चाहते हैं, स्वागत है अन्य राज्यों के सभी छात्रों का कोटा आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और कोटा के जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाए, लेकिन जो कोटा के राजस्थान के जो मूल निवासी छात्र हैं उनका अधिकार मत मारिए, क्योंकि आपके पास अपने स्टेट का डोमिसाइल है, यहाँ के छात्रों के पास बाहर कहीं का डोमिसाइल है नहीं। अब आप अगर यहाँ भी अप्लाई कर देंगे और वहां भी अप्लाई कर देंगे तो आपको तो दो जगह एडवांटेज मिल गया, पर राजस्थान के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इस चीज पे मैं साल भर, बच्चों के बहुत रोते हैं बच्चे राजस्थान के, उसके लिए मैं साल भर से हम लोग लड़ते रहे, साल भर में से जो हो सका, इसमें मेरे कई साइलेंट हैंड्स थे मेरे पीछे, कई लोग जो बहुत ऊंचे पदों पर है उन्होंने मेरा साथ दिया, उनके मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया। हालांकि मैं उनके नाम नहीं ले सकता थैंक्स गिविंग में, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर फुल प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए राजस्थान के छात्रों के साथ इस साल अन्याय नहीं होने देंगे, ठीक है। तो हमने ऑफिसर इलेक्शन ईयर भी था, हम पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन हम पॉलिटिशियनों को यूज करना जानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कोशिश पूरी ये करी इस साल, मतलब जुलाई के बाद से हम लगे हुए थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमारे पास ये ऑर्डर आ गया और हमने इस ऑर्डर को पास करा लिया। अब ध्यान से सुनिए ऑर्डर क्या है, मैं आपको इसका वीडियो में इस ऑर्डर को भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। इस ऑर्डर के हिसाब से अब राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं उनके 85% कोटा में, स्टेट कोटा में अप्लाई करने के लिए जो एक प्रावधान था कि अगर आपने 10th, 11th, 12th राजस्थान से करिए तो आप यहाँ के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते थे, उस प्रावधान को हमने स्ट्रक ऑफ करवा दिया है। अब बहुत जल्दी मैं आज ये बात इसलिए रिलीज कर, हालांकि ये काम हम लोगों ने जनवरी में करवा लिया था, लेकिन देखिए हमारे दुश्मन बहुत है, कोचिंग माफिया जो कोचिंग लॉबी है ना
कोटा की राजस्थान के बहुत स्ट्रांग है, वो जयपुर तक और चीफ मिनिस्टर सब तक पहुंच रखते हैं ये लोग। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने, क्योंकि इनका तो बिजनेस ही यही है, जितने ज्यादा साल बच्चा यहाँ रहेगा उतना इनको फायदा होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ऑर्डर जो हमने बड़ी मुश्किल से पास कराए निरस्त हो जाए, इसलिए मैं इसको छुपा के रखे हुए, तो हमने आज तक आपको ये बात नहीं बताई। अब RUHS की वेबसाइट पे बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अब मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ये बात, क्योंकि अब अगर उन्होंने ये नोटिफिकेशन में कुछ ऑर्डर होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम सड़कों पे भी उतरेंगे लड़ने के लिए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब नोटिफिकेशन में गड़बड़ नहीं हो सकती, और हमारी जो पिछले जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की मेहनत थी, जिसके बाद हमने ये ऑर्डर निकलवाया था, मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूं और मैं अभी आपको इसको पोस्ट भी करूंगा। ये ऑर्डर क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। इस ऑर्डर के हिसाब से अब राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस में जो 85% कोटा है, उसके लिए वही छात्र एलिजिबल हैं जो यहां के मूल निवासी हैं, ना कि वे छात्र जिन्होंने 10th 11th 12th यहां से करी है, क्योंकि 3 साल पढ़ लेने से आप यहां का अधिकार नहीं बन जाते। आप अपने जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, आप एक ही स्टेट का डोमिसाइल रखिए, प्लीज दो स्टेट का डोमिसाइल रखना कहीं ना कहीं हर तरह से गलत है। और इसके अलावा जो NRI कोटा भी है ना, राजस्थान के जो प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, RUHS हो गया, झालावाड़ हो गया, उसमें भी प्राथमिकता या प्रायोरिटी पहले राजस्थान के मूल निवासी को मिलेगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी बाहर वालों को मिलेगी, क्योंकि अन्य राज्य में भी ऐसा ही है। तो ये हमने इसको पास कराया है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, थैंक्स टू ऑल दोज पेरेंट्स और उच्च पदों पर आसीन वो साइलेंट हैंड्स जिन्होंने मेरा इसमें साथ दिया, और हम इस ऑर्डर को इस साल कामयाब रहे पास करवाने में। और इसकी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की जो कट ऑफ है वो काफी नीचे आएगी, काफी नहीं तो कुछ नीचे तो आएगी, और कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा राजस्थान के बच्चों को स्टेट कोटा में, जैसे कि अन्य राज्यों के स्टेट के बच्चों को होता है। और अब ये बात क्योंकि इसके पीछे अब आप वेस्टेड इंटरेस्ट तो मेरा कोचिंग में है, मैं खुद इस फील्ड से मतलब आई एम ए स्टेक होल्डर इन कोचिंग इंडस्ट्री, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं मेरे अपने, और सच की लड़ाई में मैं हमेशा साथ दूंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, चाहे इसमें इस बात से मेरे इस कदम से हमारी इस मेहनत से जनवरी में हमने ऑर्डर निकलवा लिया था, लेकिन हमने छुपा के रखा, अब अचानक जब ये धमाका होने जा रहा है तो इससे बहुत मिर्ची लगेगी बहुत से लोगों को, बहुत ताकतवर कोचिंग के जो बड़े बड़े आप समझते हैं ना, तो उन लोगों को बुरा लगेगा हो सकता है, लेकिन सर सत्य की लड़ाई लड़िए, पैसा कमाना है तो ईमानदारी से कमाइए, राजस्थान ने हमें रोजगार दिया, राजस्थान हमारी मातृभूमि है, और राजस्थान की बात नहीं है, किसी भी स्टेट की बात है, जिस राज्य के जो बच्चे हैं उनको उनका अधिकार मत छीनिए सिर्फ इसलिए कि आपका बिजनेस यहाँ पे, यह बात गलत है। तो इसलिए ये कदम मैंने किया, और हाँ इसकी हो सकता है लोग मेरे से दुश्मनी भी निकालें, तो डरता तो मैं हुई नहीं, पर हमें ये करवाना था, हमने ये किया, क्योंकि सत्यमेव जयते हमेशा से हमारा नारा रहा है, और राज्यों के लिए भी जो भी जिस भी तरह से जो हो सकेगा अच्छा, मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा, एंड लेट अस होप कि दिस विल डिक्रीज द कट ऑफ ऑफ राजस्थान एंड ऑल द डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरीज दे विल गेट देयर राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू दिस स्मॉल वीडियो, एंड दिस वॉज अ स्मॉल थिंग, मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन था अपनी मातृभूमि यहाँ के लिए, कर्मभूमि के लिए, जहाँ पे मैं बचपन से मेरी परवरिश हुई है, और इसी ने मुझे जो भी आज कोटा ने मुझे बनाया है, तो यहाँ के लोग और राजस्थान के लोगों के लिए एक छोटी सी मेहनत मैंने की थी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। जय हिंद।